बीते कुछ सालों में हमने बाजार को लगभग डबल होते हुए देखा है और कई सेक्टर्स ने इस रैली में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है, पर इस बीच कुछ सेक्टर ऐसे भी रहे हैं जिनकी वाइब बाजार से मैच नहीं हुई। उन्हीं में से एक है केमिकल सेक्टर, जिसकी कुछ सालों से मार्केट से केमिस्ट्री बिगड़ी हुई थी, पर अब माहौल कुछ बदला नजर आ रहा है। इसलिए इस बार के चार्ट ऑफ द वीक में हमारा पिक है केमिकल सेक्टर से दीपक नाइट्रेट। इसके चार्ट्स पर नजर डाले तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें इसमें एक हेल्दी करेक्शन देखा है और अब इसने एक बेस बनाते हुए अपने सारे मूविंग एवरेजेस को रीगेन कर लिया है। वहीं वीकली टाइम फ्रेम पर इस पे एक ट्राइंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसके टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक 2600 तक के लेवल्स दिखा सकता है, वहीं मिड टू लॉन्ग टर्म में इसमें 3000 तक जाने का पोटेंशियल नजर आ रहा है। वहीं डाउन साइड की बात करें तो 2180 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। सो आई थिंक कि मार्केट की इस बनती बिगड़ी केमिस्ट्री में दीपक नाइट्रेट एक पॉजिटिव रिएक्शन क्रिएट कर सकता है। I hope you like this video. Thank you. The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.